नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। समाजसेवी लक्ष्मी चौबे पर एफआईआर दर्ज होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के हरौला थाना क्षेत्र के बस्ती भुजबल और बनकट ग्राम सभा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि समाजसेवी लक्ष्मी चौबे के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। क्षेत्र व गांव के ग्रामीणों ने समाजसेवी लक्ष्मी चौबे पर एफआईआर दर्ज होने से नाराज होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने बताया कि दो गांव की जल निकासी के लिए नाला बहता था, जिस पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको लेकर हम ग्रामीणों ने विरोध किया। जब विपक्षी नहीं माना तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। मौके पर तहसीलदार बुढ़नपुर ने पहुंचकर हम लोगों और विपक्षी के बीच समझौता कराया कि नाले का पानी वहीं बहेगा जिसमें नाले का निर्माण सह खातेदार या ग्राम प्रधान के द्वारा करवाया जाए, जिसके बाद विपक्षी कोर्ट चला गया। मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं समाजसेवी लक्ष्मी चौबे ने आरोप लगाया है कि मामले में तत्कालीन थाना अध्यक्ष गजानन चौबे विपक्षी के प्रभाव में आकर उनके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज किए हैं। यदि एफआईआर को ख़त्म नहीं किया गया तो उन्होंने कहा है कि थाने पहुंचकर थाने का घेराव करेंगे, वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वह इस मामले में विपक्षी ने बताया कि वह जमीन मेरी थी जिस पर कुछ लोग फर्जी तरीके से नाला निर्माण करवाना चाहते थे। मैं अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहा था, इसी दौरान समाजसेवी लक्ष्मी चौबे कई अन्य ग्रामीणों के साथ मेरे घर पर पहुंचकर मुझे हड़काने लगे, जिसके संबंध में थाना अहरौला पर मेरे पिता के द्वारा तहरीर दी गई। इस मामले में मेरे पास साक्ष्य भी थे, पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मैं चाहता हूं कि पुलिस इस मामले में चार्जशीट फाइल करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। जैसे नाले का बाहे का मामला है, बनकट ग्राम सभा, बस्ती ग्राम सभा, दोनों ग्राम सभा का नाला है जो कि कम से कम सैकड़ों का 250-250 घर होंगे, इसमें कम से कम 4000 जनसंख्या होगी। तो अगर वो नाला बंद हो जाता है तो 200 घरों में पूरा पानी डूब जाएगा, यहाँ तक कि रोटी बनाने को जगह नहीं मिलेगी। उसके लिए हम भूख हड़ताल पे बैठे थे। तहसीलदार महोदय और पूरी राजस्व टीम के साथ आए, उसका निराकरण करने की कोशिश किए, समझौता हुआ, प्रधान को आदेश हुआ कि नाला बना सकते हैं बनावें, लेकिन बजट के अभाव की वजह से नाला नहीं बन पाया। उसी दरमियान पूर्व एसओ गजानंद चतुर्वेदी जी हमारे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज करके इसके बाद जो है उसको हमको पाबंद कर दिए हैं। कहने का मतलब है अगर एफआईआर को हटाया नहीं गया तो हम जनता के साथ, पूरे ग्राम सभा के साथ, दोनों ग्राम सभा के साथ थाने का घेराव भी कर सकते हैं और थाने पर भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। अच्छा, एफआईआर क्यों लिखा गया? क्या आपने उसके साथ गाली गलौज या कोई बात नहीं, सिर्फ वो बना रहा था, हम उसको रोक रहे थे। वो जबरन बना रहा था और उसको हम रोक रहे थे कि भैया बनाओ मत, जब इसका निराकरण हो जाएगा तो इसके बाद तो बना लेना, तुम्हारा होगा तो। लेकिन वो 56 कड़ी उसका बैनामा है, 56 कड़ी की बजाय 58 कड़ी वो बना चुका है, फिर भी वो कब्जा करने के लिए तैयार है, जिसके लिए दीवानी में भी वो भागा है। एसडीएम कोर्ट से पत्थर नसब अपनी जमीन का करवाया, लेखपाल कानेगो आए, नाप कर मुझे जमीन दे दिए। मैं पिलर लगवा रहा था तो लक्ष्मी चौबे गाँव के लोगों को साथ आए मेरे घर पर, कहें पिलर नहीं लगाने देंगे, धमकी देने लगे। इसके नाते हमारे पिता साहू गुप्ता थाने में तहरीर दिए कि हमारे साथ जान माल का खतरा हो सकता है, हमें धमकियां मिल रही हैं कि हमारे परिवार को मार दिया जाएगा, इसलिए हमने अहरौला थाने में तहरीर दिया और उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया। तो मुकदमा लिखवाने के बाद क्या हुआ? मुकदमा लिखवाया गया है और इसके बाद हमने सेशन कोर्ट आजमगढ़ में लक्ष्मी चौबे के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अच्छा, लक्ष्मी चौबे ने आज प्रदर्शन किया है और प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि जो भी आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जो भी तहरीर दी गई है, वो पूरी तरह से फर्जी है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, फर्जी नहीं है, वो पूर्णतः सत्य है। वो हमारे घर पे आए हैं, उसका वीडियो बनाया गया है, अब वीडियो सही है, वीडियो भी हमारे पास है, वो वीडियो हम न्यायालय में दिखाएंगे ताकि ये लगे कि हाँ वो हमारे घर पर। क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से आप? मुकदमा पंजीकृत हुआ तो अभी तक गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी चार्जशीट भेजी जाएगी, उसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी
अहिरौला महोदय के द्वारा अध्यक्ष थाना अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।